हाय एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग। दिस इज लेक्चर 40 इन विच वी विल डिस्कस अबाउट टू को क्रिएशन मैनेजमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। सो सबसे पहले क्लास हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली कि को क्रिएशन क्या होता है, को क्रिएशन मैनेजमेंट है या को क्रिएशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो बेसिकली को क्रिएशन इज अ मैनेजमेंट इनिशिएटिव और अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, यानी कि ये एक तरह का इनिशिएटिव है, एक तरह का मैनेजमेंट है, या हम इसे बोल सकते हैं कि एक तरह की क्या ये स्ट्रेटेजी है। यानी कि हम अगर हम को क्रिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें अगर हम को क्रिएशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक तरह की स्ट्रेटेजी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट अगर हम कंपनीज की बात करें या कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की बात करें तो हम इन सारे जो भी कस्टमर्स हैं, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं, तो हम उन्हें एक जगह ला सकते हैं एक ग्रुप के अंदर इन ऑर्डर टू ज्वाइंटली प्रोड्यूस अ म्यूचुअली वैल्यूड आउटकम। यानी कि इस तरह का ग्रुप बना के, किस तरह का ग्रुप बना के, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स या किसी भी कंपनी के जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज हैं उनका एक ग्रुप बना के हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर हम क्या करें, एक ग्रुप बना दें डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज का जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो कि जिससे हम एक वैल्यूड आउटकम प्रोड्यूस कर पाए। बेसिकली अगर हम कोऑपरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं क्लास, तो हमें क्या देता है, ब्लेंड ऑफ आइडियाज देता है। ऐसे हम क्यों बोल सकते हैं कि हमें ब्लेंड ऑफ आइडियाज देता है, क्यों, क्योंकि क्लास हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज से मिलकर हमने क्या बनाया है, एक ग्रुप बनाया है। यानी कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या आएंगे, व्यूज आएंगे, किन से, उन पर्टिकुलर ग्रुप से, उन पर्टिकुलर कस्टमर से, उन पर्टिकुलर पर्सन से। तो कहीं ना कहीं हमें कोऑपरेशन में क्या करेगा, वो हेल्प करेगा और एक क्या देगा, हमें ब्लेंड ऑफ आइडियाज देगा। तो वो यहाँ पे बोल भी रहे हैं क्लास, क्या, co-creation brings a blend of ideas from direct customers or viewers who are not the direct user of the product। यानी कि हमें उनसे भी हमें व्यूज मिल सकते हैं जो कि उस प्रोडक्ट के यूजर्स ना हो। यानी कि भले ही वो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, उसको यूज ना करते हो, लेकिन हमें उनके भी व्यूज वहाँ पे मिल सकते हैं, जो कि हमें किसमें हेल्प करेंगे कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई न्यू आइडियाज हमें क्रिएट करना होगा तो हम वो पर्टिकुलर न्यू आइडियाज क्रिएट करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। को क्रिएटेड वैल्यू अराइजेस इन द फॉर्म ऑफ पर्सनलाइज्ड यूनिक एक्सपीरियंसेस फॉर द कस्टमर, ऑन गोइंग रेवेन्यू। यानी कि अगर हम को क्रिएटेड वैल्यू की अगर हम बात करें, जो वैल्यू हमें को क्रिएशन से मिल पाएगी तो वो हमें किस फॉर्म में मिल सकती है कि एक पर्सनलाइज्ड, एक यूनिक एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए, या अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो हमें एक ऑनगोइंग रेवेन्यू मिल सकता है, लर्निंग एंड एनहांस्ड मार्केट परफॉर्मेंस। यानी कि जो हमारी मार्केट की परफॉर्मेंस है उसमें भी क्या हो सकता है, एनहांसमेंट हो सकता है। ड्राइवर्स फॉर द फर्म, यानी कि उस फर्म के लिए, लोयल्टी हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ हो गया, तो यानी कि ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर फर्म के अंदर क्या होंगी, वो इंक्लूड होंगी। तो क्लास यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई क्या कि अगर हम कोऑपरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक तरह का एक क्या है, मैनेजमेंट है। अगर उस मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज से, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज से लोग आ रहे हैं, उसका एक ग्रुप बना रहे हैं और उनकी उनके जो व्यूज हैं वो काफ़ी हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है, और उससे हमें क्या मिल सकता है अगर हम बात करें तो एक वैल्यूड आउटकम हमें प्रोड्यूस हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अब क्लास हमें ये बात समझ में आ जाती है कि जो पर्टिकुलर अगर हम उनको उस ग्रुप की बात कर रहे हैं, उस कस्टमर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस हमारी फर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस फर्म से क्या हो सकता है, उस फर्म के लिए क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस फर्म की जो ब्रांड है, उसकी जो अवेयरनेस है, वो इंक्रीज हो सकती है, जो उसका रेवेन्यू है वो हाई हो सकता है, और कहीं ना कहीं अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हमें काफ़ी प्रॉफिट भी हो सकता है। अब क्लास, अब बात आती है कोऑपरेशन के प्रोसेसेस की। यानी कि इसके दो मेन स्टेप्स हैं, फोर स्टेप्स हैं, वो है, फर्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन एंड द सेकंड वन इज सिलेक्शन। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं क्लास, तो कंट्रीब्यूशन में क्या आएगा, सबमिशन ऑफ कंट्रीब्यूशंस बाय द पब्लिक टू द फर्म। यानी कि जो भी पर्टिकुलर उस ग्रुप से, उस मेंबर से हमें जो भी कंट्रीब्यूशन मिलेंगे, यानी कि पब्लिक से फर्म को, तो वो पर्टिकुलर आपका कंट्रीब्यूशन हो गया एक स्टेप। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो यानी कि जो भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन आए हैं तो उसमें से जो भी आपके अपीलिंग और प्रॉमिसिंग कंट्रीब्यूशन है उनमें से उनका सिलेक्शन करना। तो ये हमारे दो कोर स्टेप्स रहेंगे और इन्हीं के बेस पे हमने को क्रिएशन को हमने डिवाइड कर दिया है किसमें, फोर कैटेगरीज में।
किसमें, फोर कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड कर दिया है। तो चार कैटेगरी कौन कौन सी है हमारे पास, फर्स्ट वन इज टिंकरिंग, सेकेंड वन इज सबमिटिंग, फोर्थ वन इज को डिजाइनिंग एंड द थर्ड वन इज को डिजाइनिंग एंड द फोर्थ वन इज कोलेबोरेटिंग। अगर हम टिंकरिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये जो कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक ऑफ फर्म की बात हो रही है कि उनका कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी और सिलेक्शन एक्टिविटी में कितना कंट्रोल है। अगर हम कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी में कंट्रोल की बात करें, अगर उसमें पब्लिक का रहे और सिलेक्शन एक्टिविटी में हमारा किसका रहे, फर्म का रहे, तो हम कह सकते हैं कि वो आपका कौन सी कैटेगरी में आएगा, टिंकरिंग में आएगा। अगर हम सबमिटिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम सबमिटिंग की बात कर रहे हैं तो सबमिटिंग में जो कंट्रोल है, जो कंप्लीट कंट्रोल है दोनों एक्टिविटीज का, वो किस पर हो, फर्म पर हो, तो हम वो सबमिटिंग बोल सकते हैं। अगर हम कोड डिजाइनिंग कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो इसमें कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी का जो कंट्रोल है वो फर्म देखे और जो सिलेक्शन एक्टिविटी का जो कंट्रोल है उसे पब्लिक देखे, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, कोड डिजाइनिंग। लेकिन अगर हम कोलैबोरेटिंग की बात करें तो जो कंट्रोल है दोनों एक्टिविटीज का वो कौन कर रहा हो, कौन देख रहा हो, पब्लिक देख रहा हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन टाइप्स की बात करें तो ये जो सारे टाइप्स हैं किसके, को क्रिएशन के, जो कैटेगरीज हैं को क्रिएशन की, तो ये बेसिकली हमने किसके बेस पे हमने डिवाइड किया है, किसके बेस पे कैटेगराइज किया है, कंट्रीब्यूशन और सिलेक्शन के बेसिस पे, कि फर्म का क्या कंट्रोल रहेगा और पब्लिक का क्या कंट्रोल रहेगा। सो क्लास आज के लेक्चर में हमें यही जानना था बेसिकली कि को क्रिएशन जो मैनेजमेंट है, जो इनिशिएटिव है, वो क्या होता है, क्या इससे हमें बेनिफिट मिल सकता है, और कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और कैसे को क्रिएशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सो क्लास थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग लेक्चर।